हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक और माइक्रो टीचिंग स्किल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल एक प्यूपल टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बोर्ड होता है वो टीचर का एक फ्रेंड होता है, जिसके अभाव में टीचिंग कभी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि हम बोलकर भी बच्चों को समझाते हैं, वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक्सप्लेनेशन स्किल है, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। तो बीइंग अ गुड टीचर, हमें ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो अब उनके विषय में हम देखते हैं। एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को बढ़ाने में काम आता है, उसके अटेंशन को फोकस करने में काम आता है और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लैरिफाई करता है। अगर हम देखें कि ये है क्या और क्यों है इम्पॉर्टेंट, तो हम ये जान पाते हैं कि जब हम बोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो बच्चा हमारी चीज़ों को फॉलो अप करता है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की उसको बच्चा डायरेक्टली फॉलो करेगा और उसकी एबिलिटी इन्हांस होगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि हमें ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैरिटी एंड लेजिबिलिटी। जब हम बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए और अच्छे से पढ़ने में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें कर्सिव राइटिंग में या बहुत ज़्यादा हमें और कैलीग्राफी यूज़ करते हुए बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे को समझने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। हमें एक कंसिस्टेंट साइज़, कंसिस्टेंट स्पेस और स्टाइल मेंटेन करना चाहिए, जिससे बच्चे को आराम से पढ़ने में आ सके। बहुत क्लियरली और ब्लॉक लेटर्स, अगर ज़रूरी है कि हमें किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम उसको ब्लॉक लेटर्स में लिख सकते हैं, लेकिन क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और किसी भी पार्ट से, हम क्लासरूम में किसी भी एंगल से खड़े होकर देखें, लाइक बच्चे एक ही रो में नहीं बैठे होते, एक ही फ्रंट पर नहीं होते, वो हर एंगल पे डिवाइडेड होते हैं, तो हर एंगल से हमारी राइटिंग इजीली पढ़ी जा सके, इतना स्पेस और इतना साइज़ हमारी राइटिंग का होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर ब्लैक बोर्ड, ये भी अपने आप में एक कला है। आप हैपजर्डली कहीं पर भी कुछ भी लिख देंगे तो वो बच्चे को फॉलो अप करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब भी आप कुछ लिखें उसका एक क्रम होना चाहिए जो बच्चे को फॉलो करने में ईजी रहे। आपको स्टार्ट करना है टॉप लेफ्ट साइड से और उसके बाद बॉटम राइट तक मूव करते जाना है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं उनको क्लियरली हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और बॉडी जो है हमारे कंटेंट की उसको हमें अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन बच्चे के माइंड में ना हो। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत सीक्वेंशियल वे में बच्चे को कॉरस्पॉन्ड करना है, जिससे कि वो पूरा स्ट्रक्चर उसको समझ में आता जाए और वो चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करता जाए अपने माइंड में। अगर हम गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इधर उधर लिखते जाएंगे, तो बच्चा भी उसको रेंडमली एक्वायर करेगा और उसकी जो नॉलेज फॉर्मेशन होगी वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होगी। अपने बोर्ड पे जितना स्पेस है हमें उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बोर्ड पूरा इंगेज हो गया है, आपने उस पर सब लिख दिया है, सो आप उसमें से जो चीज़ अब आपको रिक्वायर्ड नहीं है उनको इरेज कर दीजिए। इससे क्लटरिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आपका बोर्ड भरा भरा नहीं लगेगा, आप उसको वहाँ से रिमूव कर दीजिए। एंड सेकेंडली, आप अगर पहले से ही अपने बोर्ड को ऑर्गेनाइज़ करके चलते हैं तो आप उसके डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। जैसे आपने एक पार्ट पर डेफिनेशंस लिखी हैं, दूसरे पार्ट पर आप कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तीसरे पार्ट पर आप डायग्राम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन डिवाइड योर बोर्ड इनटू सेक्शंस। देन अवॉइड ओवर क्राउडिंग द बोर्ड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखिए एंड देन एक्सप्लेन दोज की पॉइंट्स, जिससे बच्चे को क्लैरिटी भी होगी और कन्फ्यूजन भी कम होगा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन,
Why is it important to use appropriate spacing between the words and lines on the blackboard? जब आप लिख रहे हैं आपके जो words हैं और आपकी जो lines हैं उनके बीच में appropriate spacing होना क्यों ज़रूरी है? जिन लोगों को भी ये आंसर आता है वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालकर मुझे ज़रूर बताएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन हेयर इज़ टू मेक बोर्ड लुक डेकोरेटिव। आपको अपने बोर्ड को बहुत सुंदर दिखाना है इसलिए आप ऐसा करते हैं, या आपको अपनी राइटिंग को आर्टिस्टिक अपीयरेंस देना है, बहुत कलात्मक तरीके से आप प्रदर्शित करना चाहते हैं इसलिए आपको एक अप्रोप्रिएट स्पेस देना चाहिए, या आपको अपने बोर्ड पर से स्पेस सेव करने के लिए आप कॉमन स्पेस को फॉलो अप करते हैं, या फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्टूडेंट्स उस कंटेंट को ईजीली पढ़ पा रहे हैं। सो जिन लोगों को भी इसका आंसर समझ में आया है वो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और आगे हम चलते हैं तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ कि बच्चे को जो हमने लिखा है वो क्लियरली रीडेबल हो, इसकी वजह से हमें अपने लेटर्स, अपने वर्ड्स, अपनी लाइंस के बीच में एक प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना चाहिए। नाउ हाइलाइटिंग द की पॉइंट्स। जब हम बोर्ड पर कुछ लिखते हैं आपने यूजुअली देखा होगा पीपल आर अंडरलाइनिंग द थिंग्स, पीपल आर सर्कलिंग द थिंग्स। व्हाई दे डू सो, क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं जिससे कि जो की पॉइंट आपने लिखा है वो हाइलाइटेड रहे, दूसरे और कंटेंट के साथ मिक्सअप ना हो जाए। सो आप अपने जो भी ऐसी चीज़ें हैं, मे बी आप ईयर लिख रहे हैं या आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अंडरलाइन इट, यू कैन पुट इट इन अ सर्कल और इन अदर शेप्स एज वेल। उसको अलग स्टैंड करने के लिए, अलग से विजुअल एक क्रिएट करने के लिए आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आप उसको हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर ऑफ चॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर राइटिंग थ्रू वाइट चॉक तो आप उसको येलो से, ब्लू से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर मार्कर एज वेल। अंडरलाइन और सर्कल की टर्म्स जैसा मैंने अभी आपको बताया, या तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल्ड में लिख सकते हैं, या आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, या फिर आप उसको डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन अगेन। वॉट इज़ द आइडियल हाइट एट विच अ टीचर शुड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड? क्या ऐसी अप्रोप्रिएट हाइट आपको लगती है कि जहाँ पर बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए? सो एट द टॉप सेंटर ऑफ द बोर्ड, बिल्कुल बीच में लिख दें, टॉप से लेकर लिखना स्टार्ट करें। मिडल पार्ट ऑफ द बोर्ड लिखना चाहिए। एट द आई लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के आई लेवल के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, या कहीं पर भी लिख सकते हैं। जिन लोगों को आंसर समझ में आ गया है वो जल्दी से मुझे आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और बाकी बच्चों के लिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। वी शुड राइट एट द आई लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ हमारा करेक्ट है। हमें कहीं भी यदा कदा नहीं लिखना है, हमें एक नॉर्मल हाइट लेकर चलनी है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, एक नॉर्मल हाइट पर हम लोग को लिखना चाहिए जिससे बच्चा उसको क्लियरली पढ़ सके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पेस। पेस कीपिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से चीज़ें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बच्चा उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा है उस स्पीड से, तो आपका लिखना, आपका समझाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको एक मॉडरेट स्पीड मेंटेन करनी है। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं लिखना है और बहुत स्लो भी आप नहीं लिखेंगे, जिससे आप जिस स्पीड से लिख रहे हैं बच्चा उस स्पीड से आपकी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब भी करता चले, उसको ग्रास्प करता चले, एब्जॉर्ब करता चले अपने अंदर। इंटरेक्शन विद द क्लास बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते रहें, उनसे वार्तालाप करते रहें, क्योंकि जहाँ आपने सिर्फ बोर्ड पर लिखना शुरू किया आपकी क्लास में हलचल होने लगेगी, डिसिप्लिन आपका बिगड़ने लगेगा। तो भले आप लिख रहे हैं लेकिन आपको अपने फेस को बार बार क्लास की तरफ टर्न करना चाहिए और स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरह से एंगेज रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चे फ्री हुए वहीं पर वो कुछ ना कुछ शैतानी करने लगते हैं। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह से स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। आइदर हम, अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो हम उनको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर बुला सकते हैं, अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो कोई
रिडल हम सॉल्व करवा सकते हैं या पज़ल्स हम सॉल्व करवा सकते हैं, वर्ड के मीनिंग्स करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए बच्चे को बुला सकते हैं, कोई डायग्राम को कंप्लीट करा सकते हैं, कोई जंबल वर्ड्स आप करा सकते हैं, व्हाटएवर, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चे को एंगेज रखना है, जिस टाइम आप लिख रहे हैं उस टाइम भी और फर्दर टाइम पर भी आप बच्चे को एंगेज रखेंगे, तो जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा आपके साथ उतना ही ज़्यादा लर्निंग उसकी इफ़ेक्टिव होगी। नीटनेस एंड एक्यूरेसी, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो लिख रहे हैं वो नीटली लिखा जा रहा है और वहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाता है। एंड बीइंग अ टीचर, ये बहुत मैंडेटरी है कि हम कहीं कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हमारा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर अच्छा ना पड़े, हमारा इम्प्रेशन ख़राब हो। सो हमेशा ध्यान रखें कि बोर्ड पर जब आप लिख रहे हैं तो आप अपनी स्पेलिंग्स के बारे में कॉन्फिडेंट हैं, आप ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं कर रहे हैं और बहुत नीटली आपने अपने बोर्ड को मैनेज किया हुआ है। जो भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको आप इरेज कर दीजिए और उसके बाद आप दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगी यहाँ पर, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव ब्लैक बोर्ड राइटिंग इन अ माइक्रो टीचिंग सेटिंग? क्या बेनिफिट है हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स में ब्लैक बोर्ड राइटिंग पढ़ते हैं, क्या उसका प्राइमरी बेनिफिट है? पहला ऑप्शन, इट एनहांसेस द इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग स्टाइल एंड क्रिएटिविटी। वो टीचर जो है पढ़ा रहा है, इंस्ट्रक्टर जो है हमारा, उसका टीचिंग स्टाइल और क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, या अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को फ्लॉन्ट करने के लिए इंस्ट्रक्टर को हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, वो इंस्ट्रक्टर की जो एबिलिटी है लिखने की उसको कॉपी करने के लिए बच्चों को एक मौका देता है, या हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि वो टीचर की तरह लिख पा रहे हैं या नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन हेयर इज, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फॉलो अलॉन्ग एंड अंडरस्टैंड द लेसन। मीन्स यहाँ पर वो डायरेक्टली एक अपॉर्चुनिटी बच्चे को दे रहा है जहाँ पर आप बच्चे की एबिलिटी जो है फॉलो अप करने की, टीचर के साथ साथ चलने की और लेसन को समझने की, उसको इम्पैक्ट करता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, कि बच्चों को अपने साथ लेकर चलने के लिए उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और उनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन जो है उसको इम्प्रूव करता है। वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, वट शुड अ टीचर डू इफ दे रन आउट ऑफ स्पेस ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्यूरिंग अ लेसन? आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आपको लगा कि आपका ब्लैक बोर्ड जो है वो पूरी तरह से भर गया है, अब आप क्या करेंगे? ये मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन भी किया है, जिन लोगों को समझ में आया था वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। सो और बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ रीड आउट कर ही रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, स्टॉप टीचिंग द लेसन। अगर आपका बोर्ड पूरी तरह भर गया है तो आपको अपना लेसन पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, पूरे ब्लैक बोर्ड के कंटेंट को आपको इरेज कर देना चाहिए और दोबारा से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, एक पार्ट को इरेज कर दीजिए और उस जगह पर लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर राइट ओवर द एग्जिस्टिंग कंटेंट, जहाँ कहीं बीच में आपको जगह मिल रही है उसी के बीच में ओवरलैपिंग करते हुए आपको अपना मैटर लिख देना चाहिए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एक पार्ट जो इसकी अभी यूटिलिटी नहीं है उसको आप इरेज कीजिए और उसके बाद आप वहाँ पर अपना नया कंटेंट लिख सकते हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉप दिस क्वेश्चन फॉर यू पीपल, आप लोग इसका आंसर ढूंढिए और मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द क्वेश्चन ऑफ द डे, हमें एक टीचर होने के नाते किस एंगल पर खड़ा होना चाहिए जिससे कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड देखने में कोई परेशानी न हो। यूजुअली हम कंटेंट लिखते हैं तो जब हम लिख रहे होते हैं तो बच्चों को वो कंटेंट देखने में परेशानी ना हो, इसलिए एक टीचर को किस एंगल पर खड़े होकर लिखना चाहिए? फर्स्ट, 0 degree, डायरेक्टली बोर्ड की तरफ फेस करके आप खड़े हो जाइए, या सेकेंड ऑप्शन, 45 degrees पे आपको खड़ा होना है, स्लाइटली एंगल्ड टुवर्ड्स दी क्लास, हल्का सा आप क्लास की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर खड़े होंगे, या 90 डिग्री के एंगल पर हाफ एंड हाफ साइडवेज खड़े हो जाइए, आधा क्लास को देख रहे हैं आधा बोर्ड को दिख रहे हैं, या फिर 180 डिग्री पे एकदम एग्जैक्टली अपनी बैक करके क्लास की तरफ से।
तो ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। जिन लोगों को भी आंसर आता है वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर ज़रूर बताएंगे, और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम कल की क्लास में रिवील करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।